अभी तक हम लोग मानव का अध्ययन नहीं कर पाए, इसलिए हमने मानव जाति को एक और मानव धर्म एक को पकड़ नहीं पाए। बोलने को बोलते हैं हम कि सर्व धर्म एक जैसे हैं, लेकिन हमारे जब जीते तो हमारे इसमें इतनी अनकही अनदेखी इतनी मोटी मोटी दीवार है कि हम उसको तोड़ नहीं पाते। आज तक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हमको जब भी नाम से पहचान लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं, मतलब ये नाम है इसका, अरे बाप रे ये तो ये होगा ये होगा ये होगा, तो हमारे इसमें इतनी बड़ी दीवार है जिसको हम तोड़ नहीं पाते। वी गेट बायस्ड अगेंस्ट पीपल जस्ट बाय नोइंग पीपल्स नेम। नाम कपड़े वेशभूषा के आधार पर पहचान लेते हैं। अगर मेरे को अभी मैं बुर्का पहन लू तो आप तुरंत मेरे को रिजेक्ट कर दोगे, या मैं बुर्का पहन लू तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे कि यार ये नाज़मीन है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो हमारी सोच में अधूरापन है, हमने मानव का अध्ययन नहीं किया तो हमको समझ में नहीं आया कि मानव है क्या, कितना चीज है, तो हम ये दीवारें तोड़ नहीं पा रहे। आप बताओ कौन सा आज तक संसार में ऐसी जगह हुई जहाँ ये हम धर्म की दीवार तोड़ पाए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप क्रिश्चियनों को देखो तो उनमें अलग ऊपर है, मुस्लिम में देखो तो उनमें अलग जाते सिया, हिंदू में देखो तो लाई है, ये अलग अलग धर्म है। तो हम उसको ना समुदाय है, जबकि वो मानव धर्म एक है, मानव धर्म एक है, मानव धर्म एक है सुख, मानव धर्म एक है सुख है वो, और हमने समुदाय को धर्म नाम दे दिया, तो हम इसको तोड़ नहीं पा रहे, समुदायवाद को तोड़ ही नहीं पा रहे। ब्रिंजल फार्मिंग, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग? हाँ सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो नो केमिकल्स यूज्ड। सो वी हैव गौशाला अपना ही है ही, तो उधर का जो मैन्योर है ऑर्गेनिक। ये क्या आपने फिल्टर लगा रखा है? हाँ, मतलब हर जगह पहुंचने के लिए ये पानी का ये लगाया हुआ है। तो ये जो आपके पीछे दिख रहा है ये वाले जगह पे, इसके नीचे हमने पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लगभग 10,000 लीटर जितना पानी स्टोर कर सकते हैं इसके नीचे, तो उसका हमारा कंजम्पशन पूरा साल के लिए चल जाता है। वेरी गुड। तो ये हर जगह का कनेक्शन हर घर के लिए, क्योंकि ये सब एक एक फैमिली रहता है, तो एक एक घर के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। हाँ, इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन है, पर अभी ह्यूमन बन रहा है ना, ह्यूमन एंजीनियर का, इंजीनियर बन रहा है, तो इंजीनियरिंग नॉलेज पूरा यहाँ पे लगाने का मौका मिल रहा है आपको। हाँ, बहुत खूबसूरत। और आपको ये फीलिंग नहीं है कि अपन यहाँ पे कोई नौकर है? अपन यहीं जो है बहुत खूबसूरत ह्यूमन डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, मानव चेतना का विकास यहाँ पे कर रहे हैं। ये हम ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अभी ऑडिटोरियम की तरफ। वाओ, ओह हाँ, वाओ। तो लगभग यहाँ का ऑडिटोरियम। हाँ, ब्यूटीफुल। तो नेवर थॉट ऑफ इट कि इतनी खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। तो इधर कम्प्लीटली ऐसा, इधर भी ये एक फ्लोर है और ऊपर भी है, तो सब मिला के ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 लोग बैठ पाए। हाँ, ऐसे जब भी वो शिविर वगैरह चलता है तो उतना कैपेसिटी है। बहुत बढ़िया, स्टडी ऑफ ह्यूमन। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, दृष्टा कर्ता भोक्ता, कल्पनाशील कर्म स्वतंत्रता, मनाकार को साकार, मानव स्वतंत्रता का आशावादी, जीवन शैली का साथ, जीवन के सीधे सही शरीर समृद्धि, अज्ञात को ज्ञात होकर को प्राप्त करना। वाह, ब्यूटीफुल। ये ऑर्गन सिस्टम्स समझा जा रहे हैं, इमेजिनेशन पावर, लवली चीज भी, उसमें भी उनका नॉलेज हो जाता है, बना रखा है। इसके ऑडिटोरियम की उपयोगिता के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, तो रोज हमारा इधर 2 बार जुड़ना होता है, पूरे परिवार जो भी यहाँ रहते हैं, हम 100 लोग जितने, सभी लोगों का। सो एक तो क्लासेस के लिए यूज होता है, जो अलग अलग एज ग्रुप से उनका जो अलग अलग नाम है, ज्ञान ग्रुप, विवेक ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, रामायण, उनका अलग अलग क्लासेस के लिए भी यूज होता है। और उसके अलावा एक जनरल जो अजय चाचा जी है, सो उनका क्लास रोज सुबह 11 बजे होता है, तो उधर उसमें सभी लोगों का इधर जुड़ना हो जाता है। उसके अलावा हमारा रोज शाम को 7 बजे से लेकर हम पूरा डे का जो भी हमारा, कुछ कुछ लोगों का कुछ प्रोजेक्ट्स लिया होगा या फिर कुछ लोगों का कुछ शेयरिंग होगा रोज का डे टू डे बेसिस, सो वो सब हमारा यही जगह पे होता है। एंड हम महीने में एक बार उत्सव रखते हैं जिसमें सभी लोगों का इधर क्या है, डांस क्लासेस भी चलता रहता है बच्चों का, और म्यूजिक का भी सब चल रहा होता है। तो एक महीने में एक बार हम उत्सव करके रखते हैं जिसमें सब लोग अपना एक्सप्रेशन, सो वो पूरा प्रिपेयर करते हैं पूरे महीने भर, एंड वो अपना टैलेंट प्रदर्शित करते हैं उसके लिए भी। एंड हम बीच बीच में मूवीज भी देखते रहते हैं इधर, तो हमने उसका अच्छा वाला एक प्रोजेक्टर भी है, सो वैसे भी हो जाता है उसके लिए भी। ये ऑडिटोरियम एक मल्टीपर्पस यूसेज है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उधर अभी लॉक किया रहेगा, सो डॉर्मेटरी अकोमोडेशन है। अच्छा, सो ऑलमोस्ट क्लोज टू इधर 60, उधर 60 लोग। नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, कृतज्ञता आवास, अभी मैंने उधर देखा, दायित्व निवास, सौम्यता है, सौम्यता आवास,
बड़े खूबसूरत नाम रखे गए हैं, वेरी नाइस। ये जामफल गुआवा जैसे इंग्लिश में कहते हैं उसका खेत, और ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही है। इतने खूबसूरत जाम के झाड़ जो है पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग में होते हुए, क्या बात। इधर भी थोड़े ये केले का खेत, ये कुछ केले की फार्मिंग भी यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से। ग्रीन गोडाउन से बना हुआ है और यहाँ पे स्टोरेज होता है। ये अभी आपको जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा होगा वो पूरी ऐसी पैकेजिंग वगैरह होती है। पैकेजिंग यूनिट है ये। वेरी नाइस। तेल निकल रहा है, सरसों का तेल निकल रहा है। वाह, तो ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। आगे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है। सो जो भी हमारा ये क्या प्रोसेस होता है, सो जो भी मिल्क आते हैं गिर का, ओके, सो इधर हमारा घी भी बनता है और क्रीम भी बनता है, और शाम को पनीर भी निकलता है दूध का, एंड हम ये A2 मिल्क जो भी गिर का है, ये 150 काउस, सो उसमें हमारा 150 काउस है, 150 काउस है गिर का, ओके। सो जो सुबह ऑलमोस्ट 110 लीटर्स ऑफ मिल्क निकल जाता है, और शाम को लगभग 100 लीटर्स ऑफ मिल्क निकलता है। तो सुबह मिल्क निकलता है वो ऑल अराउंड इंदौर जाता है टू वेरियस हाउसेस, तो वहाँ पे ग्लास बॉटल्स में आपको दिखा दूंगा मैं, वैसे इधर ही रहेगा, जैसे 1 लीटर की बॉटल में हो जाता है ग्लास बॉटल्स में। सो हर एक घर में ऐसे बॉटल्स जाते हैं, एंड वी गिव द बॉटल, वो पुराना बॉटल वापस देते हैं, एंड वो आगे इधर एक बॉटल वॉशिंग यूनिट है तो वहाँ पे वॉश होता है, एंड वापस रोज सुबह वो मिल्क यूज होता है। शाम को जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इधर पूरे घर वालों को यूज होता है, जो भी उनका रोज का रात को पीने के लिए, एंड उसके अलावा ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में आता है जहाँ पे हमारा सब मिल्क प्रोडक्ट्स बनने के लिए, सॉरी मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं क्रीम बटर, हाँ क्रीम बटर हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, सब यहाँ पे बनते हैं। वाह, वेरी नाइस। ये बेकरी यूनिट है, तो इधर पूरा होल व्हीट, हाँ नो मैदा, नो मैदा इज यूज्ड, हाँ नो मैदा इज यूज्ड इन द, एंड जो भी ग्रेन्स भी जानकारी मिली थी कि आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे थे और कुछ टेक्निकल विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आपने फिर डिसाइड किया कि मैं तो अपना जीवन यहीं पे दूंगा, और आपने एयरफोर्स का सपना गिव अप करके यहाँ पे अपने आप को समर्पित कर दिया। तो मेरा फ्लाइंग का बचपन से वो रहा करता था, फ्लाइंग एयरफोर्स में फ्लाइंग वाला, और मैंने एनसीसी भी किया हुआ था तीन साल एनसीसी किया आपने, वेरी गुड। तो सी सर्टिफिकेट सब कंप्लीट, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा मैं खुद 8 साल एनसीसी में रहा हूँ। अच्छा। मैंने जूनियर डिवीजन स्कूल में, सीनियर डिवीजन कॉलेज में, और सी सर्टिफिकेट मेडिकल कॉलेज में, बी सर्टिफिकेट साइंस कॉलेज में, 1980 से 1988 तक। एक साल एयरविंग में भी रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ 11 फंक्शनल एयरो मॉडल्स बनाए थे। मुझे बड़ा शौक रहा है अपने करियर में, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, और फिर डॉक्टर बन के आर्मी में जाने की सोची, और कुछ और भी ख्वाब थे उसके साथ, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता हूँ, उन्होंने सोचा वो पूरा करेंगे, वो पूरा करके फिर धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं ठीक है, देयर कैन बी अदर ऑप्शंस एज़ वेल, जस्ट लेट्स एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। जी आइए, थैंक यू। ये दिया था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं अभी, हाइड्रोफोनिक यूनिट का क्या मतलब है, सो ये विदाउट द यूसेज ऑफ वाटर, एंड इसमें पूरा हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा बना देते हैं, जिससे इसका कोई वेदर पे या सनलाइट पे वाटर पे कुछ डिपेंडेंस नहीं रहेगा। सो उधर हम पहले जो भी बीज है वो उधर लगाते हैं, एंड थोड़ा जब उसका आ जाता है प्लांट, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वेदर, तो जब भी हमें इफ वो प्लांट इज सुटेबल फॉर विच एवर वेदर, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल खेत। ये वाले रीजन में पूरा हमारा धनिया लगा है। हाँ। ये इसमें पूरा धनिया लगा है। हाँ, धनिया लगा हुआ। अच्छा, ये
भिंगे को और थोड़ा सा क्लोजअप से देखा जा सकता है, बहुत सुंदर। 150 गिर गाय है, 150 गिर गाय है, गिर हाउस गिर गाय है, गिर हाँ गाय है, नंदी है। गिर गायों की क्या खासियत? सो गिर गाय ऐसे है कि इवन दो वो गुजरात का ये है तो उसका थोड़ा टेम्परेचर का ये रहता है। ये गिर गाय का संबंध कैसे गिरिधर गोपाल से संबंध तो नहीं? नहीं, उधर गिर रीजन जो है तो उसी रीजन का है, सौराष्ट्र में जो गिर है, सौराष्ट्र में जो गिर है वहाँ वहाँ का रीजन का काउ उसका मेन ये है फसनसल, इसीलिए मुझे लगा जो गिरधर गोपाल जो कृष्ण भगवान जो है जिन गायों के नहीं तो वो गिर रीजन का है गुजरात का, इसलिए उसका नाम गिर है। तो इसका जो मिल्क है सो एटो मिल्क ये सबसे प्योरेस्ट माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे प्योरेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल फॉर द ह्यूमंस का सब ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए हाईएस्ट गिर काउ से मिलता है। तो इसका एटो मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, तो इसीलिए हम बिकॉज वी शुड नॉट सेटल, तो इसीलिए इधर हमारा पूरा गिर गाय है। सो उसके लिए क्योंकि गाय हमें मेनली देती है, दूध तो देती है, उसके अलावा जो हमारा खेत है उसमें पूरा हम क्योंकि कुछ केमिकल्स नहीं उसके सब ऑर्गेनिक, सो इसके गोबर से ही और इससे ही हमारा खाद बन जाता है और जो भी गोमूत्र है उससे हमारा उसमें स्प्रे करने के लिए बन जाता है। सो पूरा हम सस्टेनेबल ये है, तो हमारे यही इसमें हम चारा उगाते हैं जो गाय के लिए चाहिए, जो भी इसका ग्रास अलग अलग तरीके का ऑफ वेरियस टाइम्स जो भी टाइम में जो भी ग्रास चाहिए वो सब हमारा इधर ही उगाते हैं। एंड उसके साथ साथ जो हमारे तेल में ग्राउंडनट ऑयल में जो ग्राउंडनट का कच्ची राई निकलता है वो इसके मिक्स, बिकॉज गाय को डायरेक्ट पानी ग्रास से मिल जाता है और इसको जो न्यूट्रिएंट्स है मेन वो बीज और डायरेक्ट हैविंग द कच्ची दानी से ही होता है, तो उसका जो निकलता है हम वो भी यूज करते हैं एंड चारा आता है कि मिक्स होके इसको खाना लगता है। तो हम अभी अंदर देखेंगे, एक एक आ जाओ जो भी चारा आता है वो इधर। ये क्या हो रहा है चारे का? ये कुट्टी हो रही है पूरा चारे का, क्योंकि उसके खाने के लिए जो भी चारा आता है हमारे खेत से वो इधर कुट्टी हो जाता है और गाय के खाने में खाने योग्य बनाया जा रहा है। हाँ वो मिक्स होता है। मसाला नहीं है बताएंगे कि क्या क्या लगता है मतलब खाने में इसके साथ साथ चारे के साथ। बहुत सारे अलग अलग ग्रेन्स रहते हैं जैसे गेहूं का, बाजरा, उड़द चुरी, चना चुरी, चावल। अच्छा, वैरायटीज ऑफ ग्रेन्स। अच्छा ये क्या है इसको रखा जो? ये भी क्या रखा हुआ है? वो अभी सूखा वाटर बना रहे हैं, फिर उसको पानी के साथ गलाएंगे कल दूसरे टाइम। ग्रेन्स का पाउडर ये है तो इसको हम पानी में गला देते हैं और उसको भी दिया जाता है क्योंकि मिक्सचर ऑफ सब चाहिए रहता है गाय को। अच्छा ये फिर गाय के फीडिंग के लिए? हाँ फीडिंग के लिए। ये क्या है अभी? ये कौन सा है? सरसों की, सरसों का, सरसों का है, सरसों का पाउडर। अच्छा और ये क्या होते हैं जो ये क्या चीज़ है? ये वाला ये वही बाटा है, ये वही बाटा है। ये थोड़ा सा दरदरा सा है पूरा। गाय उस तरह का पसंद करती हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा खाने का। तो पूरा गौशाला का सब बच्चे अपने बच्चे ही संभालते हैं हर एक चीज, तो सभी छोटे गाय से लेके नंदी से लेके जम्मे की सभी लोगों का अलग अलग यूनिट्स बनाए। सो मैक्सिमम इधर हमारा जैसे एज ग्रुप्स बना है, जैसे मैंने बोला विवेक ग्रुप, एज ग्रुप ऑफ 11-17 विवेक ग्रुप है, मैक्सिमम वही पूरा संभालते हैं गौशाला को। ये सबके नाम भी दिए हुए? हाँ ये बोला है बोले संध्या क्या साध्य। हाँ सो सभी सभी के जैसे ये है। हेलो बेटे, नमस्ते। नमस्ते, आप क्या करते हैं यहाँ पे? गौशाला में काम करते हैं? हाँ। शिक्षा भी लेते हैं? हाँ। अच्छा कितने साल हो गए आपको बेटे यहाँ पे? मेरे पे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए यहाँ पे, तो बहुत छोटे से आए थे। हाँ, 4 साल के थे। 4 साल के थे तब से यहाँ पे, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अभी तो क्या होता है, अभी तो ठीक ठाक ही अच्छा ही लगता है। अच्छा बस आगे देखेंगे, आगे भी अच्छा लगे। आप तो 4 साल के आए थे और कितने साल हो गए यहाँ पे? 8 साल हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने साल हो गए यहाँ पे, अभी तो 8 साल हो गए है ना? तो क्या क्या सीख लिया आपने? अभी मैं गौशाला का लगभग काम पूरा कर लेती हूँ। गौशाला का पूरा काम कर लेते हैं? हाँ लगभग। वेरी गुड। और हमारी एजुकेशन होती है मेरे साथ में और मीडिया का थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी एजुकेशन क्लासेस रहती हैं? एजुकेशन क्लासेस 12-2 रहती हैं। 12-2? हाँ ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं? बाकी सब तो थ्योरेटिकली केवल 12-2 रहता है, बाकी सब प्रैक्टिकल काम सीखते हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ वो भी रहता है। फार्मिंग में भी कुछ सीख लिया? फार्मिंग अभी नहीं।
अच्छा, अभी पूरा गौशाला का? हाँ। और ये लगभग दिन में 6 गायों का, सुबह भी शाम को भी 6 गायों का। 6 गायों के लिए इंचार्ज है? 6 गायों की दूध अकेले निकाल लेती है। 6 गायों का दूध अकेले निकाल लेती है, वाह, वेरी गुड। सुबह भी शाम भी। अरे वाह, वेरी गुड, हां वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। मैं देखा हूँ साफ सफाई बड़ी खूबसूरती से मेंटेन है, कोई मक्खी नामक चीज नजर आ रही, कैसे प्रिवेंट करते हो उसको? उसको मतलब अब इतने सारे लोग रहते हैं, अब नौकर मुक्त गौशाला है तो अपन सब समझते समझते करते हैं, तो अच्छी अच्छा ही लगता है। अब जैसे कि बाकी नौकर लोग हैं, अब उनसे बोलो, अब उनका एकदम अलग सा प्रेशर आता है, तो वो लोग तो नहीं कर पाते ना इतना। तो साफ सफाई कैसे मेंटेन करते? बड़ी बहुत खूबसूरत साफ सफाई आपने मेंटेन करी हुई है, कहीं कुछ दुर्गंध नामक चीज नहीं है, केवल गंध सुगंध महसूस होती है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। बट जैसे क्या नाम के बेटे, आपका नाम तो बता दो। दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा, DIKSHA। डिड आई स्पेल इट करेक्ट? हां। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये भी आपने कुछ पलों पहले जो एक मशीन देखी थी उसमें इस प्रकार से निकल करके आता है, कुछ क्लीनिंग होकर के आता है? क्लीनिंग होकर के आता है तो उसी में क्लीन हो जाता है वो जो मशीन है। हाँ। क्योंकि हम प्यूरी कट करके डायरेक्टली आता है। हाँ। तो मशीन में अगर फिर भी अगर कुछ है। हाँ। तो वो उसको निकाल देता है, क्लीनिंग हो जाता है। हाँ। वेरी नाइस। वेटरनरी ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं? हाँ, वेटरनरी ट्रीटमेंट भी सर। वेरी नाइस। और उनको बच्चों को जो रहता है पोटेशियम का बहुत नेसेसरी फैसिलिटी रहता है, हम पानी के साथ पोटेशियम परमैंगनेट मैंने भी देखा, कुछ ट्रीटमेंट भी कर रहे थे गायों का? हाँ, वो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका हर 21 दिन में डीवॉर्मिंग का डे होता है। डीवॉर्मिंग का डे होता है हर 21 दिन में? हाँ। जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद 21 दिन में उनको अलग अलग दवाई से डीवॉर्मिंग करते हैं, तो अभी उन तीन बच्चों का डे था उनकी डीवॉर्मिंग। तो कैसे डीवॉर्मिंग करते हैं, क्या देते हैं उसमें? उसमें कभी गोली होती है, कभी लिक्विड होता है, क्लोजेंटल नाम का लिक्विड होता है, तो अभी उससे डीवॉर्मिंग करते हैं। फिर अगली बार वो गोलियों के बारे में भी आपने जानकारी ले ली कि क्या गोली दे रहे हैं आप? उतना जानकारी नहीं लिया है, पर उसका इफेक्ट देख के पता चलता है कि हाँ ये काम। क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? अगर कीड़े हो जाते हैं तो उनको एक तो पहले डायरिया हो जाता है। हाँ। और दूसरा उनके बाल खड़े हो जाते हैं अजीब से। हाँ। और खाना बंद कम कर देते हैं। हाँ। पतले होने लगते हैं, ये सब सिम्टम्स है उसके। हाँ। और एकदम ऐसे शाइन शाइन रहे, अच्छे से बाल उनके जमे हुए रहे, इसका मतलब कि वो पेट में कीड़े नहीं है, सिम्टम पर ना। तो ऐसे जब सब सिम्टम्स आप देखते हैं तो आपको लगता है डीवर्मिंग करना चाहिए? नहीं, अगर डीवर्मिंग सही से नहीं होती है तो ये सब होता है, तो वो ना होने के लिए 21 दिन में हम लोग कर देते हैं। अच्छा, ऐसे सिम्टम्स ही ना आए उसके लिए आप डीवॉर्मिंग पहले से कर देते हैं? तो वो सिम्टम्स नहीं आते, नहीं आते। और अगर किसी को आते हैं तो फिर से आप डीवॉर्मिंग करते हैं? हाँ, फिर से करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शी हैज रियली लर्नड वेरी वेल। बहुत अच्छा। और कुछ बेटे आपने कुछ गौशाला के अलावा भी कुछ और सीख रहे हैं? फार्मिंग वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सीखा आपने? नहीं, फार्मिंग में इतना कुछ सीखा नहीं है। डिस्टिलेशन जो रूम है ना, आरक्यूनेट, उसमें थोड़ा सा सीखा। कितने बजे उठते हैं बेटे सुबह आप? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं? शाबाश, इतनी छोटी उम्र में 4 बजे उठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर गौशाला में आके दूध निकालना रहता है, 4 से 5:30 तक दूध निकलता है। ओके। उसके बाद 7:15 तक मतलब खाना क्लीनिंग वो सब होता है। ओके। उसके बाद हमारी थोड़ा ब्रेक होता है 7:30 तक। ओके। फिर अलग अलग एरियाज में जाते हैं, जैसे उधर अर्थ में जाएंगे या फिर किचन में जाएंगे, उसका अलग अलग वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमको सीखने मिले। और एक तो आगे चल के हमको कौन सी फील्ड में और आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी वो करके रखा है। कुछ दिन किचन है, कुछ दिन अर्थ है, कुछ दिन खेती, ऐसे करके तो वो 8 से 12-11 बजे तक रहता है। जो दोपहर का स्लॉट है वो एजुकेशन का है, तो उसमें कुछ अलग अलग क्लासेस होती है, जो उधर की जीवन विद्या की उसकी क्लास होती है या फिर इंग्लिश में ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट वो क्लास होती है। उसके बाद शाम को 3 बजे वापस से वॉशर आते हैं। तो आपने कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ने का विचार किया? तो कुछ विचार नहीं किया अभी, तो मैं इस फील्ड में डेवलप करना अपने पसंद करूंगी। मुझे तो इंटरेस्ट अभी धरी है, तो मैं चाहती हूँ। जी जी, बहुत खूबसूरत बेटे, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, एक्सलेंट, कांग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू। गोबर गैस प्लांट है? हाँ, आगे जो है वो गोबर गैस प्लांट। तो वो गोबर गैस प्लांट है, और इधर जो भी हमारा जैसे सेपरेशन होता है ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट का, सब वेट वेस्ट का मैनेजमेंट होके वो भी लग जाता है। एंड इसके अलावा अभी गोबर का तो है ही, तो पूरा गोबर गैस प्लांट बना हुआ है, तो पहले इधर घूमता है तो एनर्जी जनरेट होता है, तो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो वो बाद में ऐसे ही अंडरग्राउंड हमने पैसेज किया हुआ है, तो उधर से बाद में वो गोबर गैस से फिर क्या 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 पूरा किचन का, तो अभी पूरा गोबर गैस से ही चल रहा है। गोबर गैस से पूरा आपका किचन फंक्शन करता है? फंक्शन हो रहा है। कुछ कुछ एरियाज का हमने सोलार का किया हुआ है। हाँ। सो जैसे स्ट्रीट लाइट सब आपने देखा होगा कुछ, तो वो सब हमने सोलार, स्ट्रीट लाइट सारी सोलर एनर्जी से चल रही है। हाँ, सोलर एनर्जी से। और किचन पूरा आपका गोबर गैस प्लांट से चल रहा है। कुछ कुछ एरियाज सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बना दिया आपने करके से। हाँ,
वेरी नाइस। सो कुछ कुछ एरिया से जहाँ पे हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट लग रहा है क्योंकि इतना सोलर का, तो हम इसीलिए दो मिनट सॉरी भाई जी, तो हमारा जो भी अलग अलग प्रोडक्शन है सो उसमें क्योंकि हमारे सेल्फ सस्टेनमेंट के लिए ही है सब, बट हम ट्राई करते हैं कि 20% एक्स्ट्रा हमारा प्रोडक्शन हो ताकि ये जो अभी कुछ कुछ कॉस्ट अभी इनकर हो रहे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ जो पेट्रोल क्योंकि हो रहा है, कुछ कुछ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है नहीं है, उसके लिए हम ये ट्राई करते हैं कि हम एक्स्ट्रा थोड़ा 20% प्रोडक्शन हो जो मार्केट में जाता है एंड वो ब्रेक इवन हो जाता है जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दिस इज कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और पूरी प्योरिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, जिससे हम एक दूसरे के साथ भी इंसान एक दूसरे के साथ भी हम भी सीख सके जीना। करेक्ट। इसके अलावा बिकॉज धरती है, वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद द अर्थ। करेक्ट। सो दैट इज हाउ द मानव विकास, मानव चेतना विकास है। या सो इट इज नॉट एग्जिस्टेंस, इज कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस, सो कोएग्जिस्टिंग विद द नेचर एज वेल एज विद द अदर पीपल अराउंड। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कि भाई हमने अलग अलग किया हुआ है, जो बिलो 5 है उनका उत्सव ग्रुप नाम रखा हुआ है, और 5 से 10 जो है वो ज्ञान ग्रुप, 11 से 17 जो है वो विवेक ग्रुप, 18 से 30 विज्ञान ग्रुप, उसमें मैं भी आता हूँ, और जो 31 के ऊपर है वो प्रमाण ग्रुप। ओके। तो जो भी ज्ञान ग्रुप वाले होते हैं जो 5 से 10 उसके बच्चों का सब अलग अलग, उनका सीखना ऐसे ही खेल के साथ ही सीखना हो जाता है। अच्छा। तो 5 से 10 एज ग्रुप वाले जो है उनका उनको विवेक का भी क्लास रहता है, 11 से 17 वो उनका भी टीचिंग जाता है, और हम 18 से 30 हम लोगों का भी क्लास रहता है उनको, और हमसे बड़े का भी उनका भी एक क्लास रहता है। ऐसे उसके नेक्स्ट एज ग्रुप हो गया विवेक, उनको हमारा भी क्लास रहता है और बड़े प्रमाण का भी क्लास रहता है, हमें डायरेक्ट प्रमाण का क्लास रहता है। ऐसे एक सिस्टमैटिक एजुकेशन में भी इंक्लूडिंग जो जनरल टेक्निकल चीजें हैं वो थियोरेटिकल वो भी हो गया, और अभी हम जैसे जी रहे इधर किस चीजों के रिलेटेड, जैसे गौशाला अभी कर रहे काम तो उसके रिलेटेड क्लासेस, ऐसे अलग अलग चीजों का एज वाइज सभी लोगों में ट्रांसफर होने जैसा एक एजुकेशन सिस्टम। वेरी नाइस। तो ये बच्चे इनसे यंगर को पढ़ाते हैं? इनसे यंगर को भी पढ़ाते हैं, और इनको इनके दो एज ग्रुप जो अलग अलग है वो उनको पढ़ाते, उनको पढ़ाते हैं। हाँ, ऐसे पूरा एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। एक अंडर कराते हैं ऐसे, ये पूरा गौशाला में जो 11 से 17 एज ग्रुप वाले हैं वही मेजॉरिटी दिखेंगे आपको, उसके अलावा 5 लोग होंगे जो उनको गाइड कर सके, उससे बड़े 30 से ऊपर। अभी वर्तमान में कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं या डेवलपमेंट जो ओवरऑल मानव चेतना विकास केंद्र में कितने बच्चे हैं? सो सब मिला के 100 लोग हैं इधर, उसमें मेरे एज ग्रुप वाले जो है वो लगभग 30 होंगे, बाकी किस ग्रुप में? एज ग्रुप 18 टू 30 के एज ग्रुप में आता हूं, 18 टू 30 का एक ग्रुप है जिसमें 30 लोग हैं, 35 होंगे, एंड जो मेरे से छोटे हैं तो वो लगभग 25 जितने होंगे, सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 55 आर अंडर 30 है, 60 क्लोज टू 60 पीपल आर अंडर 30। वंडरफुल। एंड बाकी जो है वो अबाउट 30 वाले हैं, बाकी 40 का काउंट जो है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यूनिट है यहाँ पे, टाइसन इधर आओ, तो यहाँ पे अलग अलग चीजों का एरेसॉल्स बनता है, जैसे तुलसी हो गया और गिलोय हो गया, नीम हो गया, तो इस सब का अर्क और लहसुन हो गया, इस सब का अर्क निकलता है, तो पूरा डिस्टिलेशन होता है और उसका जो मेन अंश है वो निकलता है, तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, तो उसका हम पानी के साथ, जो गर्म पानी के साथ एक एक ड्रॉप, जैसे जो भी अलग चीजें हो, जैसे इंटरनल कुछ चीजें हो तो नीम इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, तो उसके लिए नीम हो गया, तो गिलोय जिस चीज के लिए यूजफुल है, तो वो हम अर्क फॉर्म में कर देते हैं ताकि गिलोय के क्या क्या उपयोग, जैसे गिलोय हो गया वो गिलोय के जैसे अभी जब कोरोना के टाइम पे बहुत गिलोय, हाँ वही बोले, गिलोय कोरोना के टाइम पे बहुत काम आया हुआ था, क्योंकि गिलोय इज वेरी हेल्पफुल इन जो भी खांसी के रिलेटेड चीजें हो गए और वो सब के लिए गिलोय इज वेरी हेल्पफुल, एंड इट गिलोय मेक्स इट ओवरऑल वेरी अल्कलाइन, हाँ अल्कलाइन कर देता है, और बॉडी में जो है अल्कलिनिटी अगर रहेगी तो आप शरीर में बीमारियों से आप दूर रहोगे, और एसिडिटी जितनी बढ़ेगी तो आप बीमारियों को उतना अट्रैक्ट करोगे, तो इसलिए गिलोय उस प्रकार से आपके शरीर में बीमारियों को उत्पन्न होने से बचाता है, ताकि आपकी अल्कलिनिटी बनी रहती है, तो आपको छोटी मोटी बीमारियां जो है, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से ही होती है, पहले छोटी मोटी हुई वो धीरे धीरे दूसरी और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है, और उससे आप दूसरे तरफ जाने लग जाते हैं। धन्यवाद। 10 लीटर्स ऑफ दूध आता है, तो ये इधर आके पहले आता है, इधर एक एक लीटर के बॉटल्स जो है, पूरा बॉटल सब इधर स्टोर रहता है, तो वो बॉटल्स में भर के जितना भी मैं जब आया था तब खुला था, कोई बात नहीं, तो इधर वो पैकेजिंग होता है उसका, तो पैकेजिंग होके बाद में इधर से ही वो बाद में इंदौर के लिए जाता है। आता।
तो ये अभी दो आपने जो देखा वो जा रहा है सिल्वर स्प्रिंग्स जो इधर एक एरिया है जो ग्रुप ऑफ अपार्टमेंट्स ऐसे हमारा वैन का अलग अलग डेज में अलग अलग टाइमिंग्स रहता है यहाँ पे वो जाता है। वेरी नाइस। यहाँ पे क्या चीज की खेती है? यहाँ पे अभी मुझे उतना डिटेल इधर नहीं, ये चीज देख रहा हूँ जितने भी ये लैंप के शेड्स लगाए गए हैं ये नारियल का वो लगाया गया, उसका खास कारण क्योंकि ये अभी हमने ये पूरा सोलर स्ट्रीट लाइट्स किया हुआ है तो ऊपर सोलर पैनल से सोलर सोलर स्ट्रीट से चल रहा है, सोलर लाइट से अंदर आप अगर देखोगे तो वो चल रहा है सोलर से। तो ये कुछ सेंसर मैकेनिज्म से जैसे जैसे अंदर होता जाएगा अपने आप ऑन हो जाएगा? हमने कोई ऑन करेगा, स्विच भी किया हुआ है, वो सेंसर अभी बेस्ड हमें करना बाकी है अभी फिलहाल। तो ये सब बच्चों ने इधर के बच्चों ने मिलकर एज ए प्रोजेक्ट लेके ये किया हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें सोलर के बारे में पढ़े और उसके बारे में सब इलेक्ट्रिसिटी सब के बारे में पढ़े एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही रहता है एज एजुकेशन इधर। Correct. कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं। Correct. वैसे ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स का प्रोजेक्ट था उनका। हाँ. तो वो लिया हुआ है। हाँ. तो ये बस जैसे ये पाइप्स भी है। हाँ. ये हमारे यहाँ जो जो पाइप्स आए हुए थे जो एक्स्ट्रा पाइप्स वो लगे हुए वही हमने यूज किया हुआ है। वही यूज किया है। हाँ. तो एंड ये नारियल इट इज नेचुरली एक लुक भी है एंड इट ऑल्सो अभी देखिए ऑन हो गए हैं बड़ा खूबसूरत। अभी देखो अभी अभी टाइम हो गया है अंधेरा होने का, ये ऑन हो गए अपने आप सब जगह। वेरी नाइस। क्या बोल सकते हैं कुछ कुछ जगह पे लगा हुआ है जैसे अलग अलग। क्या है इधर? कौन सा ये सामने का? ये अंदर एक स्विमिंग पूल है। हाँ. जहाँ पे जब समर्स रहते हैं हाँ. तो सब बच्चों का अलग अलग टाइम रहता है स्विमिंग सिखाते हैं। हाँ, स्विमिंग सिखाते भी है। वाओ. और ताकि वो फिट भी रह सके। हाँ. और ऊपर उसके टॉप फ्लोर पे जिम यूनिट है। इसी में आगे? हाँ, इसी में ऊपर जिम यूनिट है जहाँ पे वो हम बाद में चाहिए तो जाके देखेंगे। बच्चों का अलग अलग टाइमिंग अभी भी कुछ कुछ सो वो उधर थोड़ा बहुत ताकि फिजिकली भी एक नॉर्मली होता ही है काम के साथ 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 थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो और गाय का जो भी चारा का पूरा सब है ये इस साइड हम जाए तो पूरा खेत है जहाँ पे सब उस सब का चारा उगता है और उसके अलावा इधर जो भी नीड है वो सब हम।